नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे वोटर आईडी कार्ड के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। पिछले दिनों एक विधेयक को मंजूरी दी गई जिसमें फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में दोहराव को रोकने के लिए, एक तरह से कह लें कि जो दोबारा मतदाता है उसको रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, एक ही मतदाता सूची तैयार करने जैसे फैसले शामिल हैं। मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर किए गए विधेयक में सर्विस वोटर के लिए चुनावी कानून का जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया है। साथ ही साथ इस विधेयक में यह भी बदलाव किया गया है कि अब एक साल में चार अलग अलग तारीखों पर मतदाता के रूप में आप अपना नामांकन करा सकते हैं, या फिर हम इसे आसानी से कहें तो नाम अपना जुड़वा सकते हैं। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार हो जाएगा कि एक साल में एक बार की जगह चार बार मतदाताओं के क्वालिफाइड डेट के अनुसार उनके नाम को सूची में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि देश में 1 जनवरी को आधार बनाकर 18 साल उम्र के मतदाताओं को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। नए नियम लागू हो जाने के बाद से अब एक ही साल में मतदाताओं को अर्हता यानी कि उसकी जो योग्यता की तिथि 4 हो जाएगी। नए प्रावधान के अनुसार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आधार तिथि मानते हुए 18 साल के ऊपर के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं। अब नए नियम के आधार पर मतदाता सूची में हर 3 माह के बाद अपडेट होती रहेगी। मसलन की एक कट ऑफ तिथि होने की वजह से 2 जनवरी को युवा 18 साल की आयु पूरी होने के बाद भी पंजीकरण नहीं करा पाते थे, ऐसे में अब उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कानून मंत्रालय ने सेवा मतदाताओं से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान में पत्रि शब्द को पति/पत्नी से बदलने के लिए कहा था। साथ ही आयोग पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए भी नई कट ऑफ तारीख को भी जोर दिया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में संसद की एक समिति को बताया था कि उसका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 14B में संशोधन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग बोगस वोटरों से बचने के लिए जो है आधार कार्ड को जोड़ने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि सामान्यतः लोग अपने गांव के साथ उन शहरों या फिर महानगरों में भी वोट डालते हैं जहां वो रहते हैं, ऐसे में उनका नाम मतदाता सूची में कई जगहों पर शामिल हो जाता है। ऐसे में जब मतदाता सूची आधार से जुड़ जाएगा तो वो एक ही वोट डाल सकेंगे। सरकार इस सुधार पर भी विचार कर रही है। इसके तहत यह भी कहा जा रहा है कि स्वैच्छिक आधार पर मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जा सकेगा। बिहार में पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव समाप्त हो गए हैं, लेकिन उस चुनाव में भी जो है इस तरह की बात कही गई जिसमें कि एक तरह से करें जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ता गया उसमें जो है नई नई तकनीकें शामिल की गई। उसमें एक तकनीक यह भी था जिसमें कि वोटरों की पहचान की जा सके कि इन्होंने इससे पहले किसी और चरण में मतदान किया है या नहीं। इस दौरान अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार भी जो है इस नियम पर काम करने पर आगे विचार कर रही है। हालांकि इसकी कुछ खामियां भी है जो कि पंचायत चुनाव के दौरान कई लोगों को भुगतनी पड़ी। उनका जो है जब उनका फिंगरप्रिंट जब मैच कराया गया कि आपने कहीं और वोट दिया है या नहीं, उस दौरान जो है काम करवाने वाले यानी मतदान कर्मियों ने जो है उनके खाते से पैसे निकाल लिए। ये जो है एक गड़बड़ी निकल कर अब तक सामने आई है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।